नमस्कार दर्शकों, दर्शन निज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नगर परिषद बूंदी द्वारा इन दिनों शहरों से नंदी गोवंश को बूंदी शहर व बूंदी से बाहर की गौशालाओं में नंदियों को ले जाकर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन गौशालाओं में उनका चारा, पानी व छाया की व्यवस्था नहीं होने के कारण गोवंशों को इस बरसात के मौसम में कई प्रकार की बीमारियाँ होने की संभावना है। श्री बालाजी गौ सेवा समिति द्वारा अमृत ग्राम में चलाई जा रही गौशाला में क्षमता से अधिक गोवंश होने की वजह से गोवंशों पर खतरा मंडरा सकता है। संस्थान के सचिव पप्पू मेघवाल ने बताया कि मेरे पास पहले से 118 गोवंश थे, लेकिन अभी बूंदी शहर से नगर परिषद द्वारा 59 गोवंशों को यहां पर शिफ्ट किया गया है और नगर परिषद व प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की 1 रुपये का भी सहयोग नहीं दिया गया है तथा उनके चारे, पानी की व छाया की व्यवस्था भी नहीं है। गौशाला में भ्रमण पर वहाँ पर कीचड़ होने की वजह से गोवंशों में बीमारी होने की संभावना है और ना ही उन पर वहाँ पर चारे की व्यवस्था देखने को मिली है। नगर परिषद आयुक्त द्वारा बताया गया कि शहर के गोवंशों को शिफ्ट करने के लिए सभी गौशालाओं के संस्थापकों व प्रशासन के बीच वार्ता करने के बाद गौशालाओं में क्षमता के अनुरूप गोवंशों को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें शहर से 600 गोवंशों को शिफ्ट किया जाएगा, जिसके चारे पानी की व्यवस्था गौ सेवक संचालनकर्ताओं की होगी। यदि प्रशासन द्वारा लाखों रुपए लगाकर नंदीशाला का निर्माण करवाया गया एवं सिलोर रोड पर स्थित गौशाला की जमीन को नगर परिषद को सुपुर्द किया गया, यदि उन गौशाला एवं नंदीशाला में इन गोवंशों को शिफ्ट किया जाता तो बहुत ही अच्छा होता और बूंदी शहर भी गोवंशों से मुक्त होता व आम जन को निजात मिलती, लेकिन किस कारणवश इन गोवंशों को वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जो एक नगर परिषद के द्वारा अभियान चलाया गया है, वहाँ शहर में जितने भी घूम रहे हैं हमारा गोवंश, उनको लाके यहाँ पे छोड़ा भी गया है, तो किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है? सर, श्री बालाजी गौ सेवा समिति देहरा धाम में सचिव पप्पूलाल मेघवाल। ये गत 4 साल से संचालित गौशाला है, ये आपसी सहयोग से ही चल रही है, ना कोई सरकारी दान अनुदान है यहाँ पर, ना कोई बाहरी व्यक्ति का कोई सहयोग। ये यहाँ पर करीबन 60 गोवंश नगर परिषद से छोड़े गए हैं, जिनकी
व्यवस्था धीरे धीरे कर पाएंगे। यहाँ पर अभी बरसात में ज़्यादातर कीचड़ की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है, अच्छी कड़ी मिट्टी है, तो थोड़ा सा पानी से भी यहाँ कीचड़ हो जाता है। कितने बीघा का रखी कीचड़ है? नहीं, ये आउंटीन नहीं हो पाई है अभी। आउंटीन पर जिला कलेक्टर साहब उड़ रखी हुई फाइल है, ये करीबन 6 बीघा करीबन की आउंटीन की दे रखी है फाइल। फिलहाल वर्तमान में कितने गोवंश सर इसमें? 118 तो हमारे पास मौजूद है, 88 गोवंश अभी बाहरी रखे हुए हैं नगर परिषद से। इनकी चारे पानी की क्या व्यवस्था? यहाँ चारे पानी की बढ़िया व्यवस्था है। अभी क्या गया, यहाँ ये बारिश की वजह से रहने की चारा रखने का भंडार नहीं है, इस वजह से हमने गांव में बाहरी जैसे उखराड़ियाँ खरीद कर रख रखी है। जैसे चारे की कमी आती है वैसे हम गाँव से ठोलियाँ मार्फत एक दो दिन का एक्स्ट्रा, 10 दिन का, 1 महीने का एक्स्ट्रा चारा ला के डाल देते हैं यहाँ पर। अभी चारे की व्यवस्था का अनुदान किस प्रकार करते हैं? नहीं, ये आपसे सहयोग से गांव वाले ही अपने निजी स्तर पे डालते हैं सर। सरकार द्वारा कोई सहायता? अभी तक कोई सहायता नहीं है सरकार द्वारा। सरकार की गाइडलाइन में एक बीघे में 20 जानवर रह सकते हैं आपके यहाँ पे कितने? ये अपने पास 18 बीघा ज़मीन है, गौशाला पास सुरक्षित है भी। नहीं, शिवाय चेक चलागा। इनके गोवंशों के लिए डॉक्टर मेडिकल का क्या व्यवस्था? ये सब कम्प्लीट, 7 दिन में 5 दिन में गाड़ी आती है, इनका चेकअप करती है, इलाज करती है, और स्टॉक दवाइयाँ का स्टॉक भी रखा जाता है यहाँ पर इमरजेंसी के लिए। हम भी खुद भी गोपालक यहाँ पर सेवा करते हैं। इसी प्रकार की कौन सी भर्ती हो जाती है तो उनका किस प्रकार से पोस्टमार्टम मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी? नहीं, ये इनका इनके दफनाने के लिए भी एक साइड करके हमने खाई में रखते हैं इनको सुरक्षित। पपूलाल मेघवाल, सचिव श्री बालाजी गोशी समिति, देवरिया दाम। गोवंश शिफ्टिंग का जो अभियान चल रहा है बूंदी शहर में, जी बूंदी शहर में जो गोवंश का अभियान अभी कंटिन्यूस चल रहा है 10-12 दिन से, और अब तक लगभग कल तक 144 गाय हम विभिन्न गौशालाओं में शिफ्ट कर चुके हैं बाहर की गौशालाओं में। गौशालाओं में किस प्रकार से क्या व्यवस्था है? गौशाला में ये अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ बैठक हुई थी, और उसमें संबंधित सभी जिले के सभी गौशाला संचालकों को बुलाया गया था, और उसमें उनकी क्षमता अनुसार जो वो ले सकते हैं उतनी गायों को उनके यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। ये 1 महीने तक लगभग चलेगा। चारे पानी की व्यवस्था? चारे पानी की व्यवस्था गौशाला वाले स्वयं करेंगे सर, उनकी उनकी कंसेंस के आधार पर ही वहाँ छोड़ा जा रहा है। जिस प्रकार आप गौशाला में छोड़ देते हो, टैग वगैरह? टैग बिल्कुल लगाया जा रहा है, और एक डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर साथ में रहता है, और वो टैग भी लगा रहे हैं, वेटनरी डिपार्टमेंट टैग लगा रहा है हर एक। आपका नाम? अरुणेश शर्मा, आयुक्त नगर परिषद बोलते।